फ्रेंड्स, वाटरमेलन गर्मियों में बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसे पानी की कमी भी दूर होती है और ये बहुत ही फायदेमंद फ्रूट है। आज हम इसे दो प्रकार से डिश भी आपको बनाना बताएंगे, तो चलिए शुरू करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और इसमें हमें फल फ्रूट खाने में बहुत अच्छा लगता है। वाटर, खास करके वाटरमेलन, जो खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगता है और इसे शरीर में पानी की कमी भी दूर होती है और गर्मियों के लिए बहुत फायदेमंद। तो आज हम इसे भी कट करके ये मैं खाने के लिए निकाल लूंगी और बाकी मैं बताऊंगी। इसी से हम फिर वाटरमेलन के जो बचे हुए हिस्से से आपको सब्जी बनाना बताऊंगी और इसी के साथ मैं इसे रोटियां भी बनाना आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इसे कट करके हमें इसे ऊपर के पोर्शन को निकाल लेना है। देखिए हम इसे कट कर लेंगे। मैं देखिए इस प्रकार से ये जितना रेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है मैं उसे ऐसे कट कर लूंगी। ये हमें कट करके रख लेना है, ये हम खाने के यूज में ले लेंगे। सभी को हम इसे इसी प्रकार कट कर लेंगे। अब ये जो आपके पास बची हुई है इसे हमें चक्कू की सहायता से हमें इसे इस प्रकार से कट कर लेना है। पीछे का पोर्शन, जितना भी ग्रीन पार्ट है, हम इसे साइड कर लेना है। हमने सभी ग्रीन पार्ट्स को साइड कर लिया है। अब हम इसे छोटे छोटे पार्ट में कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमें इस प्रकार से कट करके इसे छोटा छोटा हमें कट करना है। इस प्रकार से इसकी साइज हमें ज्यादा बड़ी नहीं रखनी। देखिए इस प्रकार से, इसी प्रकार से हमें सभी को कट कर लेना है। देखिए मैंने सब्जियों के लिए इसे सभी को कट कर लिया है। मैंने पूरा एक वाटरमेलन लिया है जिसे मैंने आधे को तो इस प्रकार से कट कर लिया है और आधे को मैंने रफली बड़े बड़े ऐसे चॉप कर लिए हैं, इस प्रकार से कट कर लिए हैं। इसकी हमें सब्जी बनानी है और इसके हमें पराठे बनाने हैं। जिसे हमें पराठे बनाएंगे इसे हम साइड कर देना है और इससे सब्जी बनाने के लिए हम यूज में लेंगे। चलिए तो इससे सब्जी बना लेते हैं। बनाने के लिए पहले हम इसमें कुकर में एक बड़ा चम्मच तेल का ले लेंगे। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हींग। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है सौंफ। इसी के साथ हम ऐड करेंगे काला जीरा, थोड़ा जीरा डालेंगे। सौंफ से इसका टेस्ट अच्छा आएगा और जीरा तो डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, इसीलिए हमें जीरा तो डालना ही कंपलसरी है। इसमें हम दो हरी मिर्ची कट करके डालेंगे। अब हम इसमें जो हमने वाटरमेलन का जो पार्ट कट करके रखा है इसे हमें ऐड कर देना है। इसे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं आज इसे पूरियों के साथ बनाऊंगी इसलिए मैं इसे खट्टी मीठी बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे नमकीन भी बना सकते हैं। अब इसमें हम नमक और हल्दी ऐड करेंगे। आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालें। कर लेते हैं मिक्स। अब हम इसमें आधा गिलास पानी ऐड करेंगे। इसे अब हमें कवर करके दो सीटी दिला लेनी है। दो सीटी के बाद मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। कवर करके हमें छोड़ देना है। अब दो सीटी आती है, इतने देर में हम पूरियों का आटा लगा लेते हैं। पूरियों के लिए हमने जो वाटरमेलन के पल्प को, ये देखिए जो हमने निकाल के कट किया था, रफली चॉप किया था, इसे हमें मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। चलिए मैं पीस के दिखाती हूँ। देखिए हमने इसे अच्छे से पीस लिया है, इसका पेस्ट एकदम तैयार है। हमें इसी प्रकार से एकदम स्मूथ पीस लेना है। देख रहे हैं, हमें ऐसा ही इसका पेस्ट चाहिए ताकि हम पूरियाँ बेले, हमारी पूरियाँ अच्छे से फूल जाए। चलिए अब हम आटा लगा लेते हैं। हमें एक कप आटा लेना है। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप बेसन। आप चाहे तो इसे मैदे में भी लगा सकते हैं, मगर वाटरमेलन बहुत ही पौष्टिक है, पेट के लिए फायदेमंद है, इसलिए हम इसे पौष्टिक तरीके से ही बनाएंगे। इसमें हम मैदे का यूज नहीं करेंगे, हम इसे आटे से ही बनाएंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसमें छोटी एक चम्मच में नमक ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ हम ऐड करेंगे लाल मिर्च। अगर आप चाहें हरी मिर्च का यूज करना तो आप जब वाटरमेलन पीस रहे हो उसी समय इसमें हरी मिर्च भी आप पीस सकते हैं। एक चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ।
इसी के साथ आधी चम्मच सौंफ डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मोरन के लिए, आप इसमें घी डालिए, तेल डालिए, कुछ भी यूज कीजिए। मैं इसमें दो बड़े चम्मच में इसमें तेल के यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप 1/3 कप इसमें सूजी भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी खस्तापन आएगा। पहले हमें सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने जो ये वाटरमेलन को पीस के रखा है ना, इसे हमें इसमें ऐड कर लेना है। हमें इसमें पानी का अभी ऐड नहीं करना है। अब हमें सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और देख लेना है इसमें हमें पानी की आवश्यकता लगेगी या नहीं। मुझे तो नहीं लग रही है, जरूरत पड़ेगी। चलिए अच्छे से मिला लेते हैं। इसका थोड़ा हमें सख्त डोर तैयार करना है। आटा परफेक्ट आटा लगा लिया है, बस इसी तरह हम इसे लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट पे। 10 मिनट में ये अच्छे से परफेक्ट हमारा आटा तैयार हो जाएगा। हम इसे इसी प्रकार छोड़ देंगे कवर करके। अब हम सब्जी चेक कर लेते हैं, सीजी है कि नहीं हमें चेक करना पड़ेगा। ये थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप चीनी। 1 चम्मच में इसमें लाल मिर्ची ऐड कर दूंगी। इसी स्टेज पे हमें सब ऐड कर लेना है। 1 से 1.5 चम्मच में इसमें धनिया का ऐड करूंगी। अमचूर की खटाई और गरम मसाला हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। इसी के साथ मैं इसमें 1 सीटी और ऐड कर ले रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं इसमें 1 सीटी और दिला लूंगी। है अब हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे खोलेंगे। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी सब्जी कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है। टोटल मैंने इसमें 4 से 5 सीटी दिलाई है और हमारी सब्जी देखिए कितनी बढ़िया बन गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे और 1/2 चम्मच में इसमें गरम मसाला ऐड कर दूंगी। 1/2 चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड कर दे रहे हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वाटरमेलन तो खुद अपने में ही इतने पौष्टिक हैं, तो इसमें ज़्यादा मसालों का ज़रूरत हमें है ही नहीं। ये ऐसे ही इतनी टेस्ट बन के तैयार होगी कि आप इसे बार बार बना के खाना चाहेंगे। चलिए अब इसे साइड रख देते हैं और हम पूड़ियाँ कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, आटे को भी रेस्ट होते हैं। अब हम पूड़ियों की ओर बढ़ते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा आप देख सकते हैं। ये हमने बहुत सॉफ्ट आटा इसमें नहीं करना है क्योंकि हमें इसे पूड़ियाँ बनानी है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लेके इसे अच्छे से प्लेटफॉर्म के ऊपर इसे स्मूथ कर लेंगे और मैंने तेल भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। हम लोग पूड़ियाँ बेलेंगे, इतनी देर में तेल गर्म हो जाएगा। हमें थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगाते हुए इसे अच्छे से स्मूथ कर लेना है। मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर ही इसे इस प्रकार से कर लेती हूँ क्योंकि मैं इस पे आसानी से रोटी मुझे बनाने में अच्छी लगती है। इसी पे अच्छी से स्मूथ कर लिया है, इसे 2 पार्ट में कट कर लेंगे। इसको हमें कवर करके रख लेना है और इसे हम कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। लंबा रोल कर लेना है पहले। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। साइड से हमें इसे कट कर लेना है। हमें इसे छोटी छोटी बनाऊंगी मैं इसे, इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं कट कर रही हूँ। हमें इसमें सूखा आटा नहीं लगाना है, ज़रूरत लगे तो आप हल्का सा तेल लगा के इसे इस प्रकार से बेल लें। बस हमें इसी प्रकार से इसे बेल लेना है। हम इस पूड़ी को थोड़ा मोटा बेल रहे हैं क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ कि बच्चों को अलग अलग शेप की पूड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं, इसलिए हम इसे कुछ शेप देने वाले हैं, इसलिए हम इसे थोड़ा मोटा ही रखेंगे। मैं इसे देखिए इस शेप में कट कर लेती हूँ। आप इसे गोल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हल्का सा हमें इसे शेप दे देना है। ये देखिए कितना सा प्यारा सा हमने इसे शेप दे दिया है और इसे हम थोड़ी मोटी रखेंगे। ये देखिए तेल गरम हो चुका है, अब सभी पूरियों को हम फ्राई कर लेंगे। चलिए हम सभी पूरियों को इसी तरह फ्राई कर ले रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया हमारी पूरियाँ बनके तैयार हुई है और हमें इसे ज़्यादा लाल भी नहीं करना है। देखिए कितनी बढ़िया पूरियाँ बनके तैयार हुई है। हमने जो शेप वाली पूरियाँ बनाई है उसे भी हम तल लेंगे और सभी को बाहर कर लेंगे। अब हम सभी पूरियों को इसी प्रकार फ्राई कर लेंगे।
अगर तेल ज़्यादा आपको लगे गर्म हो गया है तो आप इसे लो करते हुए भी थोड़ा सा दोस्तों, अगर आप इसे सुबह के समय नाश्ते में यूज करेंगे तो ये आपके लिए बहुत लाइट भी रहेगा और आपको ये बहुत और ये आपको बहुत एनर्जी भी देगा। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, तो प्लीज 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 एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।